वेलकम बैक टू माई चैनल वर्सेटाइल जोन। सो आज की वीडियो में आई विल टेल यू दैट हाउ टू मेक द पर्पल ग्लिटर आई मेकअप लुक। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस माई वीडियोज। ओके, सो फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट मूव ऑन टू मेकअप। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी गोइंग टू यूज दिस पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। हमें हमेशा अपना फेस मॉइस्चराइजर के साथ, पहले हमें अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए, उसके बाद हमें अपना मेकअप स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो मेकअप है वो अच्छे से सेट रहे और हमारा मेकअप एकदम स्किन के अंदर तक ना जाए, सिर्फ ऊपर अच्छे से रहे। तो कभी भी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वी शुड, अगर हमारा मॉइस्चराइजर अच्छा होगा, मॉइस्चराइज फेस रहेगा तो मेकअप भी अच्छा रहेगा। ओके, सो फर्स्ट We going to do eye makeup because ये glittery है तो इसके fallouts वगैरह गिरेंगे। तो सबसे पहले हम अपना करेंगे eye makeup। So concealer से पहले हम अच्छे से अपने eyes को conceal कर लेंगे। और फिर हम एक loose powder की help से अपने eyes को अच्छे से सेट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम पहले अपने फिल करेंगे अपनी आईब्रोज को। ओके, सो नेक्स्ट लेंगे ये हैगा आई शेडो हॉलिन ली रेन का आई शेडो। इसमें से क्रीज कलर लेंगे। सो आई एम टेकिंग ओवर या दिस लाइट ब्राउन शेड। इसको डस्ट आउट करके हम सिर्फ अपने क्रीज एरिया में अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह, ताकि यहाँ पे एक क्रीज, एक ट्रांजिशन शेड बन जाए हमारे आई का, लाइक दिस। सिर्फ हमें क्या करना है, कलर पिकअप करना है, फॉल आउट निकालना है और फिर सिर्फ हमें अपने क्रीज पे रख के सिर्फ कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है बस। अब हम सेम पैलेट में से इस पर्पल शेड को लेंगे बिकॉज माय साड़ी कलर इज ब्लैक। तो इस पर्पल शेड को लेके हम अपने आईलेट पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ सेमी आईलेट पे हमें ये पर्पल कलर को अप्लाई करना है। बिकॉज हम जहां पर्पल कलर रहेगा वहां पे ग्लिटर अप्लाई करेंगे और इनर पे हम करेंगे गोल्डन कलर। ओके, सो ये ग्लिटरी शिमर से इसको कुछ इस तरह से लेके हम सिर्फ अपने आईलेट पे कुछ इस तरह से, अब इसका इस ग्लू आता है तो उसको आप लगा के इसको अच्छे से अपने आईलेट पे अप्लाई करेंगे तो वो ग्लिटरी लुक आ जाएगा कुछ इस तरह। जो फॉल आउट करा है उसको एक ब्रश की हेल्प से हम पूरा फॉल आउट हटा देंगे ताकि हमारे फेस पे कोई भी ग्लिटरी पार्टिकल्स ना रहे और एक तो फेस एकदम क्लीन रहे। इसके बाद में फेस पे प्राइमर लगाएंगे क्योंकि हम अभी हमारा आई मेकअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। प्राइमर को सेट होने में एटलीस्ट 2-3 मिनट्स लगता है, तो जब तक प्राइमर सेट होगा तब तक हम अपना आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। और इसका एक रीज़न है, अभी हमने आई मेकअप हम कंप्लीट क्यों नहीं करा है उसका रीज़न अभी हम बताते हैं। ओके गाइस, तो एक गर्ल हाइपर का मस्कारा है, ये बहुत अच्छा मस्कारा है। यू मस्ट गो फॉर दिस मस्कारा। ये सिर्फ 2-3 कोट्स में ही बहुत अच्छी हमें आई लैशेस हो जाती हैं। That's why I have not applied any false lashes to this, क्योंकि इसमें इतना अच्छा वॉल्यूम आ गया था कि false lashes की कोई नीड ही नहीं लग रही थी कि हमें false lashes लगाना भी है। That's why इसका सिर्फ 2-3 कोट्स लगाए और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इसका।
सो नेक्स्ट आई विल गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन लैक्मे फाउंडेशन। इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। सो फाउंडेशन के बाद बारी आती है कंसीलर की। तो सबसे पहले हम कंसील करेंगे अपने अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज़, अपना फोरहेड, अपर लिप्स और जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है सिर्फ हम उसी को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सिर्फ हम उसी एरिया में हम ब्लेंड करेंगे। पूरे फेस पे हमें ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ उसी एरिया में जहाँ जहाँ हमने अपना कंसील करा है फेस। अपना मेकअप सेट करेंगे अपने लूज पाउडर से, ब्रश से अच्छे से। डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया बिकॉज नेक अलग दिखेगा फेस अलग दिखेगा। और अच्छे से अपने फेस को कॉम्पैक्ट की हेल्प से, पाउडर की हेल्प से अच्छे से मेकअप सेट करना। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप कंप्लीट। सो आई एम टेकिंग ओवर यर दिस फ्लैट ब्रश। इससे हम पिक करेंगे पर्पल शेड कलर बिकॉज हमारी जो आई लुक है वो पर्पल है, तो हम इसका लोअर लैश लाइन को भी पर्पल ही करेंगे। सो सिर्फ हमें अपने कुछ इस तरह से इसको स्मज आउट करेंगे और सिर्फ इसके लोअर लैश लाइन को अच्छे से जैसे काजल अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। यू हैव कम टू नो कि क्यों मेकअप आई मेकअप लास्ट में मीन्स ये जो लोअर लैश लाइन वगैरह लास्ट में कराए, बिकॉज जब हम पूरा सेट करते हैं कॉम्पैक्ट वगैरह हमारा लोअर लैश लाइन का जो मेकअप होता है वो छुट जाता है, इसलिए हम बाद में इस मेकअप को करते हैं ताकि वो बिल्कुल हटे ना। अपने आई शेडो पैलेट में से लेंगे ये गोल्डन कलर जिसको हम अपने इनर कॉर्नर्स पे अच्छे से कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। इट्स टाइम फॉर अ ब्लश। सो ये दोनों शेड्स लेके अच्छे से हम अपने चीज को ब्लश करेंगे स्माइल के साथ। सो आफ्टर ब्लश इट्स टाइम फॉर एन हाइलाइटर। तो सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे अपने ब्रा बोन्स को। फ्लफी ब्रश के साथ चीक बोन्स, टिप ऑफ द नोज। फाइनली इट्स टाइम फॉर अ लिपस्टिक। पर्पल साड़ी विद अ पर्पल लिपस्टिक, माय फेवरेट पर्पल कलर। To keep our makeup for longer time, we'll use a fixer setting spray, makeup setting spray to set our makeup. Okay guys, so wait for my final look. तो गाइस कैसा लगा आपको ये फाइनल लुक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।